हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। चलो देखते हैं उसमें लेसन नंबर 10, डे एंड नाइट एंड सीजंस। चलो देखते हैं उसमें, रीड। फ्रेंड्स, एवरी डे वी सी द सन राइजिंग एंड सेटिंग, बट टाइम ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ सन इज नॉट सेम एवरी डे। We have prepared various notes in my observation 1 in June, my observation 2 in September and my observation in 3 in December. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको पता है बच्चों की जो सन है वो राइज होता है, यानी कि जो उगता है, और जो सीटिंग यानी कि जो आत्मता है उसका टाइम दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, और वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि विंटर टाइम पे क्या होगा कि जब विंटर होगा ना तो सन है वो थोड़ा सा लेट आएगा, समर होगा तो वो अर्ली आ जाएगा, और मॉनसून में तो सन कभी कभार तो आता ही नहीं है। तो ऐसी तरह से हमें जो सन है उसके राइजिंग और सेटिंग का जो टाइम है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन वन है वो जून मंथ का करना है, ऑब्जर्वेशन टू है वो सितंबर मंथ का करना है, और ऑब्जर्वेशन थ्री है वो हमें दिसंबर मंथ का करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑन क्लॉथिंग, वेजिटेबल्स एंड फूड रेसिपीज। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फुलफिल अब द फॉलोइंग डिटेल्स। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सन के जो राइजिंग और सेटिंग का टाइम है वही नहीं देखना है, हमें उसके साथ साथ जो हम क्लॉथ पहनते हैं, कौन से वेजिटेबल्स से वो लेते हैं, और कौन सी फूड से जो फूड डिशेज है वो प्रिपेयर करते हैं ना, वो भी हमें इसके साथ मैच करना है। चलो देखते हैं राइट में टेबल, राइट ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2, 3। तो हमें क्या करना है, हमें 1 से 3 तक के जो बेसिस हमें दिए गए ना उस हिसाब से हमें लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें टेबल 1 दिया गया है कि नोट द टाइमिंग ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। तो हमें जो सन है वो राइज होता है ना, और जो फॉलन होता है उसका हमें टाइम नोट करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे माई ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 है। ठीक है, साथ साथ ये कौन से मंथ का है, तो ये जून मंथ का है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मंथ ऑफ जून। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 3 के बारे में अपर ही डिटेल दी गई थी, तो वो लिखना है। फिर हमें लिखना है, यहाँ पे लिखा है राइजिंग टाइम और डेट भी लिखनी है, तो चलो मैं लिखवा देता हूँ साथ साथ। राइजिंग टाइम आपका आएगा 6:55। ठीक है, 5:55 आंसर आएगा, 5:55। और ये हमने कौन सी डेट पे ऑब्जर्वेशन किया था, तो हमने किया था 3/6/2020। ओके, 20-20 को। अब सेटिंग का टाइम देखते हैं, तो उसका सेटिंग का टाइम था 19:19। ठीक है, यानी कि 7:19 को, और उसका डेट क्या था, 1/6/2020। ओके, इसी हिसाब से माई ऑब्जर्वेशन 2, ठीक है, यहाँ पे है ना माई ऑब्जर्वेशन 2, ये कौन से मंथ का था, तो ये हमें सितंबर मंथ का करना था। ठीक है, ओके, उसका राइजिंग टाइम हम देख लेते, तो उसका राइजिंग टाइम आएगा 6:23 और डेट आएगा 1 सितंबर 2020। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेटिंग टाइम उसका था 18:27, यानी कि शाम को 6:27 और उसकी डेट थी 30 सितंबर 2020। ओके, अब देखते हैं माय ऑब्जर्वेशन 3, यानी कि दिसंबर मंथ का हमें देखना है, तो उसका राइजिंग टाइम हम देखते हैं उसका। ठीक है, तो आंसर आएगा 7:05 और डेट कौन सी थी, डेट थी 1/12/2020। अब उसका सेटिंग टाइम देखते हैं, तो उसका सेटिंग टाइम था 17:52, यानी कि 7:52 पर, और उसका डेट था 1/12/2020। ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर ही था। अब लास्ट देखते हैं फोर्थ वन, व्हेन डिड सन राइज द अर्लीस्ट। ठीक है, सबसे पहले सन कौन से टाइम पे आया था, तो सबसे पहले सन आया था 5:55 को, यानी कि 5:95 को आया था, और उसका जो डेट था वो था 3/6/2020। ठीक है, यानी कि हम फर्स्ट वाले का जो टाइम है वही फोर्थ वाले में लिखने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चों डिटेल टू में, नोट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड द राइज, नोट द टाइम व्हेन द सनसेट द लेटेस्ट। अब हमें करना, हमें यहाँ पे जो सन है उसका सेटिंग टाइम लिखना है और राइजिंग टाइम लिखना है, तो लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने
हमें सिर्फ जून मंथ का लिखना है, ठीक है। नंबर वन ऑब्जर्वेशन, नंबर वन में जून का, नंबर टू में सितंबर और नंबर थ्री में दिसंबर का लिखना है, ओके। चलो देखते हैं उसका राइजिंग टाइम कौन सा था। तो अब हमें लिखना है कि यहाँ पे सन है वो राइजिंग टाइम कौन सा था, क्योंकि वहां पे हमने दोनों टाइम लिख लिए थे, तो अब हमें उसकी डिफरेंट डेट को लिखना पड़ेगा। तो सन का राइजिंग टाइम था फाइव पॉइंट फिफ्टी एट और उसकी डेट थी 36/2020, ओके 36/2020, रेडी। चलो देखते हैं उसका सेटिंग टाइम। उसका सेटिंग टाइम था, वो टाइम था 19.27 और उसकी डेट थी 29/6/2020, ठीक है। तो यहाँ पे 19.27 यानी कि 7:27, ओके। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टू, वो हमें सितंबर मंथ का करना था। उसका राइजिंग टाइम आएगा 6:24 यानी कि 6:24 को हुआ था। उसकी डेट हम लिखेंगे 2 September 2020। उसका सेटिंग टाइम देखते हैं तो 18.57 यानी कि 6:57 को हुआ था और उसकी डेट थी 1 September 2019। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं जो दिसंबर मंथ का था, उसमें हम राइजिंग टाइम पे लिखेंगे 7:22 यानी कि 7:22 को जो सन है वो राइज हुआ था दिसंबर मंथ के 31 December 2020 को, जबकि सेटिंग कब हुआ था, उसका सेटिंग मतलब कि वो पिछली रात को कब डाउनफॉल पे गया था, तो वो गया था 18:03 यानी कि 6:03 को हुआ था और उसकी डेट क्या थी, तो 30 December 2020, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखना है कि व्हेन डिड द सनसेट लास्टेड, ठीक है। तो सबसे लास्ट में सनसेट कब हुआ था, यानी कि जो सनसेट है यानी कि जो सूर्य है वो ढल कब गया था, तो अब हमारा आंसर आएगा 19.27 और उसकी डेट थी 29 June 2020, ठीक है। यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन जून में सेटिंग वाला टाइम हमें लिखना है, ओके। आगे देखते हैं, फिल इन द कलर, हमें कलर को फिल करना है, ठीक है। कौन से हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि टाइम ऑफ द सन राइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो हमें लिखना है कि सनराइज है वो मॉर्निंग में कब होता था, जून में लगभग 7 से 8 तक होता था। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन तीन कलर में फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी होता था। अब देखते हैं सितंबर मंथ में कब होता था, तो सितंबर में भी 3 में ही आएगा, यानी कि इन तीनों बॉक्स में हमें कलर करना पड़ेगा, जबकि दिसंबर में तो 4, 5, 6 और 7 तक जो सन है वो राइज होता था, यानी कि हमें इतने बजे तक कलर करना है। आगे देखते हैं, अब हमें यहाँ पे डे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जून में लॉन्ग डे आता है, ठीक है, सितंबर में कुछ नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल डे होता है, और जबकि दिसंबर में डे है ना वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग, ठीक है, सनसेट कब होता है इवनिंग में, तो 5, 6 और 7 तक हो जाता था, फिर सितंबर में सिर्फ 5, 6 ही हो जाता था और दिसंबर में भी 5, 6 ही हो जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं डिटेल नंबर टू में हमें लिखना है द टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग, ठीक है, सनसेट का टाइम है इवनिंग में कब होता था इन मंथ में, ठीक है। तो शाम को मैंने जिस तरह से बताया था 4, 5, 6 और 7 तक हो जाता था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वन यानी कि जून मंथ में। अब जुलाई की बात करें तो जुलाई में 4, 5, 6 और 7 तक हो जाता था, जबकि दिसंबर में 4, 5 और 6 तक ही होता था, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट का, ठीक है, कि नाइट यानी कि नाइट कैसी होती थी उस मंथ में। तो जून मंथ में नाइट है वो शॉर्ट होती थी, ठीक है, क्योंकि हमने अपर ही लिखा था ना कि डे है वो लॉन्ग है, तो सिंपल ही डे लॉन्ग है, तो नाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है। और सितंबर में तो नॉर्मल डे था, तो नॉर्मल नाइट होगी, दिसंबर में क्या था, डे शॉर्ट था, तो यहाँ पे नाइट कैसी आएगी, लॉन्ग नाइट आएगी, ओके। अब इवनिंग का टाइम देखते हैं, सनराइज कब होता है दूसरे दिन, तो 5 से 6 तक हो जाता था, ठीक है, सितंबर में भी 5 से 6 तक सनराइज हो जाता था और दिसंबर में तो 5, 6 और 7 तक सन है वो राइज
होता था। चलो देखते हैं थिंग्स एंड सही में व्हाट अ डिफरेंस कैन बी सी बिटवीन डिटेल वन एंड टू। तो आप डिटेल वन और डिटेल टू में कौन सा डिफरेंस देख रहे हो? तो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है बच्चों कि जून मंथ यानी कि वो ऐसा मंथ होगा जिसमें डे है वो लॉन्ग होगा और नाइट शॉर्ट होगी, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि वहां पे समर सीजन चल रहा होगा। ठीक है, सितंबर की बात करें हम तो जनरल डे था और जनरल नाइट थी, तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर में शायद मॉनसून वाला सीजन होगा। दिसंबर की बात करें बच्चों तो दिसंबर में डे है वो शॉर्ट था और नाइट लॉन्ग थी, तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट लॉन्ग होने की वजह से वहां पे विंटर चल रहा होगा। ओके चलो देखते हैं आगे रीड में। फ्रेंड्स लाइक सन वी कैन नॉट सी मून एवरी नाइट, मून इज समटाइम्स स्मॉल और बिग और इनविजिबल। प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ द माय ऑब्जर्वेशन 1, 2 and 3 द टाइम ऑफ द मून राइज एट द नाइट वॉज नॉट एट। कीपिंग दिस इन माइंड प्रिपेयर अ नोट ऑन बिलो गिवन डिटेल। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना एक और टेबल प्रिपेयर करना है, लेकिन पहले हमने जो प्रिपेयर किया था वो सन के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब हमें मून के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मून भी हर रात है ना वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमारे सामने आता है और कहीं कभार तो वो इनविजिबल भी हो जाता है। तो हमें मून के थ्रू ही एक टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, पूरी नाइट जो नाइट होते हैं ना उसमें ही, चलो देखते हैं उसमें क्या है टेबल में। टाइम ऑफ द मून राइज एंड इट्स डिफरेंस। ठीक है, अब हमें टाइम लिखना है कि मून है वो कब राइज होता है और उसका डिफरेंस क्या है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ बॉक्स हैं जो हमें बंद कर देने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये बॉक्स में कुछ नहीं आएगा ये बॉक्स में भी और ये बॉक्स में भी, चलो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा टेबल वन। ठीक है, यानी कि टेबल वन में हमें नोट करना है, तो सबसे पहले जो मून है वो राइज हुआ होगा वो होगा 21.7। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21.7। ठीक है, और हमें टाइम दिखाना यानी कि इस टू करना पड़ेगा, डॉट डॉट करना पड़ेगा। तो करीबन मैं ऐसा कह सकता हूं कि 9:47 को जो मून है वो राइज हुआ होगा। ठीक है, दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन ना 21.03 यानी कि जो मून है वो 9:03 को ही राइज हुआ होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू बात करें तो 21.40 यानी कि 9:40 को वो मून है वो राइज हुआ होगा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वन का देखते हैं बच्चों, फोर्थ वन में आएगा 22:18 यानी कि 10:18 को क्या होगा, 18 को जो मून है वो राइज हुआ होगा। 5 का देखते हैं, 5 का आएगा 22.17 यानी कि 10:17 को जो मून है वो राइज हुआ होगा। और लास्ट में 6 देखते हैं, 6 में आएगा 19.46 यानी कि 8:46 को क्या होगा, वो मून है वो राइज हुआ होगा। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करते हैं यानी कि डिफरेंस क्या होगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा था 21.47, अब दूसरा लिखा था 21.03, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने मिनट का हुआ बच्चों, इन दोनों के डिफरेंस में आया 4.11। ठीक है, यानी कि जो जनरली मून है वो इतना लेट हुआ होगा। ठीक है, फिर दूसरे की बात करते हैं तो फिर दूसरे में आएगा 0.41। ठीक है, यानी कि ऐसे 41 लेट हुआ था। फिर दूसरी हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था 21.03 और तीसरे में लिखा था 21.40, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है और वो आंसर आएगा 0.37। ओके, तो इस तरह से हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है। फिर डिफरेंस आता जाएगा 2 का, 45 का, 1 और 1 और 37 का आएगा। ओके, तो इस तरह से सारा टेबल हमें फुलफिल करना है। अब देखते हैं टेबल टू की डिटेल्स। टेबल टू में हमें सितंबर मंथ का लेना है। ठीक है,
जिस तरह से हमने बताया था, पहले जून का लिखना है उसका डिफरेंस लिखना है, फिर सितंबर का लिखना है उसका डिफरेंस लिखना है, फिर हमें यहाँ पे दिसंबर मंथ का लेना है, ठीक है, और उसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से हमारा, तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, काउंट एंड फाइंड, हमें काउंट करना है और फाइंड भी करना है। When the day are long and what type of the clothes do we wear and why? ठीक है, जब हमारा दिन है वो जब दिन है वो लंबा कब होता है और कौन से टाइप के कपड़े हम पहनते हैं और क्यों ऐसा पहनते हैं? In the summer, तो आंसर कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, In the summer the day are long so we wear cotton clothes like a चब्बा, जर्सी, बंडी एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब दिन लंबा होता है तो समर होता है, ठीक है बच्चों, और उसमें हम क्या कॉटन के जो क्लॉथिस आते हैं वो पहनते हैं क्योंकि हमें गर्मी है, जो हॉट है वो कम लगे। ठीक है, चलो देखते हैं नंबर टू क्वेश्चन, व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथिस वी डोंट वियर। जब दिन सबसे लंबा होता है ना तो कौन से टाइप के कपड़े हैं वो हम पहनते नहीं है। जैसे कि बात करें तो आंसर कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, फैट एंड वूलन क्लॉथिस We don't wear when the days are long. ठीक है, जब days long लंबा होता है ना, दिन लंबा होता है, तो हम जो fat होते हैं, यानी कि जो बड़े कपड़े होते हैं और woolen के, ठीक है, जो winter time के कपड़े पहनने होते हैं ना, वो हम day long में नहीं पहनते क्योंकि वहाँ पे summer season चल रही है। आगे देखते हैं, When the days are short, what kind of clothes do we wear? ठीक है, जब days short होता है तब कौन से कपड़े पहनते हैं, तब हम, चलो देखते हैं कौन से कपड़े पहनते हैं। इन द विंटर द डेज आर शॉर्ट सो द कोल्डनेस इज इंक्रीज सो वी वियर स्वेटर, जैकेट, कोट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब डेज शॉर्ट हो जाता है ना तब क्या होता है, तब विंटर सीजन होती है और जो कोल्डनेस है यानी कि जो ठंडी है वो भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ना हम स्वेटर है, जैकेट है, कोट है, वो पहनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, When the days are short, which clothes we should not wear? जब days short होता है तो कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए? Simple ये cotton clothes है, वो नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम winter के कपड़े summer में पहनेंगे और summer के कपड़े winter में पहनेंगे तो हमें problem ही problem होगी। आगे देखते हैं, What type of clothes do we wear in the September? Why? हमें हम September में कौन से कपड़े पहनते हैं और क्यों ऐसा पहनते हैं? ठीक है, The September is the month of द रेनिंग। ठीक है, यानी कि सितंबर है वो रेनिंग सीजन है, मैंने जिस तरह से आपको बताया था उसी तरह से है। सो वी वियर अ रेनकोट, कैप और एक्सेट्रा, वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला। ठीक है, तो सितंबर मंथ में हम जो मानसून वाले कपड़े होते हैं यानी कि जो कोट होता है, जो रेनकोट होता है, जो कैप होती है और अम्ब्रेला होता है ना, उसका यूज करते हैं। लास्ट देखते हैं बच्चों, विच टाइप ऑफ क्लॉथिस कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन। ठीक है, कौन से टाइप के कपड़े होते हैं जो हम हर सीजन में पहन सकते हैं, जैसे कि शर्ट है, पैंट है, जब्बा है, ठीक है, ट्राउजर है, ऐसे ये सारी चीजें हम नॉर्मल सीजन में पहन सकते हैं। चलो देखते हैं, सी एंड राइट एंड अंडरस्टैंड, चलो हमें देखना है, लिखना है और समझना है। नेम ऑफ वेजिटेबल नोटेड इन द टेबल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स के नेम लिखना है। ऑब्जर्वेशन वन, यानी कि जो जून का है, टू है वो सितंबर का है, थ्री है वो दिसंबर का है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि जून मंथ में कौन सा वेजिटेबल का यूज करते हैं, सितंबर में कौन सा यूज करते हैं और दिसंबर में कौन सा यूज करना है वो लिखना है। जैसे कि मैं बात करूँ तो जून मंथ में हम जनरली जो क्यूक्यूम्बर है, पोटेटो है, स्वीट पोटेटो है ना, ऐसी चीजें खाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है तो हमें जिसमें से लिक्विड ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसी हमें फूड प्रेफर करते हैं। नंबर टू देखते हैं, सितंबर मंथ यानी कि रेनी सीजन होगी तो लेडीज फिंगर है, पोटेटो, जो पोटेटोज है, ठीक है, ब्रिंजल्स है, वो हम कैरी करते हैं। नंबर थ्री यानी कि दिसंबर, ठीक है, तो दिसंबर में हम जनरली जो पाव भाजी से यानी कि जो स्पाइसी फूड से वो कैरी करते हैं, तो उसमें हम कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर है वो कैरी करते हैं, पोटेटोज है, ब्रिंजल्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं। अब देखते हैं, नेम ऑफ वेजिटेबल कॉमन इन ऑल द थ्री टेबल्स। थ्री टेबल्स में से कौन सा जो वेजिटेबल्स है वो सबसे कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्रिंजल एंड पोटेटोज है वो हर सीजन में खाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बैंगन्स है वो और जो पोटेटोज है वो हर सीजन में यूज होते हैं। अब देखते हैं नंबर थ्री, नेम ऑफ द वेजिटेबल डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर इन द टेबल। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि
तीनों ये जो अपर वाले टेबल है उन दोनों में से कौन से ऐसे वेजिटेबल है जो सबसे अलग है, जैसे कि यहाँ पे स्वीट पोटेटोज हैं, ठीक है, क्यूक्यूम्बर है वो है, जैसे कि यहाँ पे लेडीज फिंगर है, और यहाँ पे है कैरेट है, कैबेज है, बीन्स है, ठीक है, फ्लावर है, ये सब चीज़ें अलग होती है। अब देखते हैं आगे। इन टूडेज मॉडर्न टाइम ड्यू टू द यूसेज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन द इम्प्रूव द सीड्स मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू द आउट ऑफ द ईयर ड्यू टू दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंटिएट वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ द विंटर समर एंड मॉनसून। तो बच्चों आज के टाइम इतना मॉडर्न हो चुका है कि आज के टाइम में ना जो कोल्ड स्टोरेज है वो आ चुके हैं, साथ साथ जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है वो होने लगा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर सीजन में हर फूड हमें इजीली मिल जाता है, इसीलिए हम ऐसा आसानी से नहीं कह सकते कि कौन सी सीजन में कौन सा फूड मिलता है। ओके आगे देखते हैं, डिस्कशन करना है और आपको ये बताना है कि ये कौन सी सीजन चल रही है। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज और ये जो मून है, ठीक है, ये जो सन है उसको देख के और जो स्वेटर है उसको देख के आपको इजीली पता चल गया है कि ये विंटर सीजन चल रही है। तो आपको यहाँ पे विंटर के बारे में दो तीन लाइनें लिखनी है, ठीक है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आप ये लिखने की कोशिश करना। इन इंडिया द विंटर सीजन फ्रॉम द नवंबर टू फरवरी इज काउंटेड अकॉर्डिंग टू द गुजरात मंथ, गुजराती मंथ। विंटर इज फ्रॉम कार्तिक टू महा, इट इज कॉल्ड इन द विंटर सीजन, पीपल वियर अ थिक एंड वार्म क्लोथिस, हीट्स ब्लैंकेट्स एंड हॉलीडे एट नाइट्स, ठीक है। तो ये विंटर के बारे में हमने दो तीन लाइनें लिख ली। अब चलो देखते हैं नंबर टू। तो हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सन है वो इतना गुस्साया हुआ है, ठीक है, और बच्चा है वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है। तो चलो देखते हैं उसमें ये कौन सी सीजन होगी, तो ये समर सीजन होगी, ठीक है। चलो देखते हैं समर सीजन में क्या होगा। समर सीजन इज काउंटेड फ्रॉम मार्च टू जून इन इंडिया, द मंथ ऑफ गुजराती समर फ्रॉम फागुन टू जेठ मंथ। इन द समर सीजन इट इज हॉट, टू गेट अ कूल पीपल आर फैन और एसी टर्न ऑन एट अ नून इन द हीट द रोड्स बिकम अ स्मूथ, सम पीपल टेक अ शेल्टर अंडर अ ट्री, ठीक है। द एनिमल सीड इन द वॉटर of the lake or river, mangoes are ripe on the mango tree, juice and supplementaries are required to the drink. तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि समर सीजन में जो भी एनिमल्स है वो भी ट्री का शेल्टर लेते हैं, साथ साथ हमें जो सप्लीमेंट्रीज है ड्रिंक्स करने की वो भी मिल जाती है, ठीक है, यानी कि जो जूस होते हैं वो। आगे देखते हैं अम्ब्रेला और रेनकोट को देख के पता ही चल जाता है कि मानसून सीजन हो रही है। तो चलो देखते हैं मानसून के बारे में दो तीन लाइनें। मॉनसून इज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर इन इंडिया, इट रेन इन द मॉनसून सीजन, द लैंड इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी, पीपल वियर अ रेनकोट एंड हैट्स एंड ऑल्सो यूज अम्ब्रेला। इन मॉनसून सीजन द फार्मर स्टार्टेड कल्टिवेटिंग विद मेनी सीड्स। मॉनसून मीन्स द फेस्टिवल ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स लाइक असाढ़ी बीज, भादरवी पूनम, दशहरा, ठीक है, दिवाली एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून में भी कई सारे त्यौहार है वो आते हैं। चलो देखते हैं आगे। टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन एनवायरमेंट इज हार्म्ड बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मानसून रेन फॉल इन अदर सीजन टू। तो अब क्या होता है कि आज के टाइम में जो पोल्यूशन बढ़ चुका है, एनवायरनमेंट का जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी वजह से मानसून है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ में भी गिर रहा है, ठीक है। तो ये हम सबको भी पता है क्योंकि इस पिछले साल ना मानसून है वो विंटर में भी आया था, समर में भी आया था, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला था क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है। आप देखते हैं इट इज अ ट्रू, ऑन 21st जून द डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। तो क्या होता है कि 21 जून होती है ना उस दिन ना डे है ना वो सबसे लंबा होता है और नाइट है वो छोटी होती है। 22 दिसंबर हैज द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। जो जो 22 दिसंबर थी ना जो अभी चली गई है उस दिन सबसे छोटा दिन था और सबसे लंबी रात थी, यानी कि 22 दिन को हम सबसे ज़्यादा सो सकते हैं ऐसा इजीली कह सकते हैं। आगे देखते हैं 20 मार्च एंड 23 सितंबर है इक्वल डे एंड नाइट, यानी कि जो 20 मार्च और 23 सितंबर आएगी ना तो उस दिन इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट होगी, ठीक है। तो मार्च मंथ
अभी आने वाला है, तो आप उसकी जो बेस डेट आएगी ना, ये आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंस ऑफ द डिसीज इंक्रीज इन द पर्टिकुलर टाइम फेज, ठीक है। तो जो डिसीज है यानी कि जो बीमारियाँ हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम फेज में आती है, जैसे कि मानसून सीजन में आती है, साथ साथ जो विंटर सीजन होती है ना तभी भी आती है। नंबर टू देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ द गेम्स प्लेड इन द डिफरेंट सीजन। आपको डिफरेंट सीजन में जो गेम्स प्ले करते हो ना, उसका एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, कि विंटर में कौन सी प्ले करते हो, समर में कौन सी प्ले करते हो, रेनी सीजन में कौन सी प्ले करते हो। नेक्स्ट देखते हैं, फाइन द रीजन फॉर द डे नाइट बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट। आपको एक रीजन फाइन करना है कि डे और जो रात है ना वो लॉन्ग और शॉर्ट क्यों होती है और किस वजह से होती है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर जो 10 है, डे एंड नाइट एंड सीजन, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो आप देखते हैं आगे, हाउ मच हैव यू लर्न, ठीक है, आप इसमें से कितना सीखे हो। तो आपको यहाँ पे 3-3 नेम लिखना है, जैसे कि कैन बी ईटन रो, ठीक है, क्या हम कच्चा कुछ खा सकते हैं, जैसे कि क्यूक्यूम्बर, हम यानी कि जो काकड़ी आती है वो हम खा सकते हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या कच्चा खा सकते हैं, तो कैरेट है, रेडिस है, टोमेटोज है, ये हम कच्चा खा सकते हैं। कैन बी रोस्टेड एंड ईटन, ठीक है, क्या हम उसको पका के खा सकते हैं, जैसे कि चपाती है, ठीक है, उसके साथ हम रोटली है, पापड़ है, ठीक है, ज्वार है, वो भी हम पका के खा सकते हैं। आगे देखते हैं, कैन बी बॉइल्ड एंड ईटन, क्या हम उसको बॉइल यानी कि उबाल के खा सकते हैं, ठीक है, तो जैसे कि खिचड़ी है, राइस है, ढोकला है, खमन है, वो हम खा सकते हैं। कैन बी साउटेड एंड ईटन, ठीक है, क्या हम उसको उसको अच्छी तरह से पका के खा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे परोठा लिखा है, ठीक है, उसके साथ हम दूसरा क्या है कि जो ढेबरा है, ठीक है, और जो चपाटी है, ठीक है, पुडला है, ठीक है, वो भी हम खा सकते हैं उसके साथ साथ। आगे देखते हैं, कैन बी फ्राइड एंड ईटन, क्या उसको हम तल के खा सकते हैं, ठीक है, तो पूरी है, भजिया है, ठीक है, दाल वड़ा है, समोसा है, पफ है, तो इसको हम फ्राई करके भी खा सकते हैं, ठीक है, तल के खा सकते हैं। आगे देखते हैं, फ्रॉम द किचन व्हाट इज यूजफुल, ठीक है, किचन में इसमें यूजफुल क्या होता है, इन केस ऑफ कफ, ठीक है, यानी कि आपको खांसी है तो क्या करेंगे, पुट टर्मरिक पाउडर इन द मिल्क एंड वार्म इट इन एंड ड्रिंक। आपको क्या करना है, जो हल्दी वाला पाउडर आता है ना, उसकी मदद से आपको हल्दी वाला दूध बनाना है और उसको गर्म करके पीना है। इन केस ऑफ द डायरिया, ठीक है, जब आपको डायरिया हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ डायरिया तो आपको खसखस एंड जो शोकर है ना उनको आपको मिक्स करके, मिल्क में मिक्स करके खाना है, ठीक है, यानी कि पीना है उसको। चलो देखते हैं, इन केस ऑफ द गैस इन द स्टमक, आपके पेट में अगर गड़बड़ हो रही है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो अजमा और सॉल्ट है उसको मिक्स करके पानी में डाल के पीना है, ओके। तो आपको जो स्टमक में गैस हो रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको कलर करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या कलर करना है। कलर पार्ट रिप्रेजेंट द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि यानी कि कौन सी लेन में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि पानी है वो अपने पास पकड़ के रखेंगे, तो जो एलुवियल सोल है वो सबसे ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है, जो क्लेई सोइल होती है क्लेई में, तो उससे भी ज़्यादा मॉइस्चर कैपेसिटी होती है, यानी कि यहाँ पे फूल हम कलर कर देंगे सारे बॉक्स में। अब देखते हैं सैंडी सोइल, सैंडी सोइल में सबसे कम होती है, यानी कि हम दो ही बॉक्स में कलर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अब देखते हैं थिंग्स एंड सीज में, व्हिच कंपोनेंट आर फाउंड इन द सोइल, सोइल में कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, तो स्टोन है, सैंडी है, ठीक है, और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो हमें मिलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोइल आर देयर, नेम देम, ठीक है, सोइल के कितने टाइप्स हैं, चलो नाम देखते हैं उसका, सैंडी सोइल, क्लेई सोइल और अलुवियल सोइल है। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ सोइल हैज मैक्सिमम डिकेंटेशन पावर, ठीक है, यानी कि कौन सी सोइल में सबसे ज़्यादा डिकेंटेशन पावर, यानी कि पानी को रिलीज करने की कैपेसिटी है, तो सबसे ज़्यादा पानी कौन रिलीज करता है, तो सैंडी सोइल ही रिलीज करती है, तो आंसर आएगा सैंडी सोइल। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पिक्चर है वो चुपकाने हैं। ड्रॉ द मटीरियल ऑफ फूड टू बी ईटन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन, आपको ऐसे फूड के बारे में, डिश के बारे में आपको यहाँ चुपकाना है, जो आप सिर्फ विंटर सीजन में खा सकते हो, समर सीजन के लिए यहाँ पे चुपकाना है और मॉनसून के लिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 10 और हाउ मच हैव यू लर्न 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।